नमस्कार, नेहा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल मावा गुजिया, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी गुजिया बनकर के तैयार होती है। ये हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, छान करके लिया है। इसमें हम 100 ग्राम ऑयल डाल दिया है, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी मैदा को ऑयल के साथ है अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ये इस तरह से मुट्ठी बना करके देखेंगे। ये देखिए अच्छे से बन रही है मुट्ठी, तो ऑयल हमारा परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सख्त सा डो बना लेंगे, समोसे की तरह सख्त डो बनाएंगे। पानी हम बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस प्रकार से। इसे हम ढक करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम ये गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। ये हमने 250 ग्राम मावा लिया है। मावा को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। ये हमने काजू और बादाम को काट करके रखा ही डाल दिया है। ये हमने 250 ग्राम बूरा डाल दी है। ये 100 ग्राम हमने नारियल कद्दूकस किया हुआ डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे इस तरह से। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हम दोबारा से इस तरह से इसे थोड़ी देर मसलेंगे, चिकना हो जाएगा ये। अब हम इस तरह से रोल बना करके पेड़ियाँ तोड़ लेंगे। ये बराबर बराबर साइज़ की पेड़ियाँ तोड़ देंगे। सारी पेड़ियाँ हमने बना ली हैं और ये इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से। अब हम इसे चकले पे बेलन की साइज़ से बेल लेंगे पतली पतली। हमने बेल लिया है और इसके अंदर हम ये एक चम्मच शेफ्टन डाल देंगे। साइडों में ये थोड़ा पानी लगा करके इस तरह से फोल्ड करके चिपका देंगे और फिर इस तरह से हम इस ऊपर डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह से गुजिया खुलती भी नहीं। ये देखिए, ये दूसरी गुजिया भी हम बना करके दिखाते हैं। इसके अंदर भी हम एक चम्मच स्टफिंग रखेंगे। पानी लगा करके फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से चिपका देंगे। और अब हम ये इस तरह कांटे से डिजाइन बनाएंगे। अगर उस तरह से फोल्ड ना हो तो कांटे से भी इस तरह से डिजाइन बहुत ही प्यारा बनता है। इसे भी हम प्लेट में रख देंगे और ये एक और बना करके दिखाते हैं उसी डिजाइन में। पानी लगा दिया है, चिपका देंगे और फिर हम उसे उठा करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है। इस तरह से सारी गुजिया हम बना लेंगे। और ये हमने गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये ऑयल गर्म है, ज़्यादा उबलता हुआ ऑयल नहीं, थोड़ा कम ही गर्म होना चाहिए। और इस तरह से हम गुजिया डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने लो मीडियम रखा है।
हाई फ्लेम पे हमारी गुजियाँ बहुत ही जल्दी जलने लग जाएंगी और इस तरह से कलर भी प्यारा आएगा और सॉफ्ट अच्छे से क्रिस्पी गुजिया बन करके तैयार होएंगी, अच्छे से फूल भी जाएंगी। हम पलट लेंगे। ये देखिए एकदम से फूल गई हैं, पलटने पे वापस उसी तरह से उसी शेप में जा रही हैं। बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए फ्राई हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये बाकी की बची हुई सारी गुजिया को हम इसी तरह से तल लेंगे। निकाल लेंगे, निकाल करके बाकी बची हुई सारी गुजिया को हम फ्राई कर लेंगे। अब हम ये चाशनी बनाएंगे। ये 400 ग्राम हमने सूअर ली है, इसके अंदर हम इसका आधा पानी डाल देंगे। और ये देखिए गुजिया सारी बन करके तैयार हो गई हैं और ये चाशनी भी चीनी घुल गई है। अब चीनी घुलने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही और पकाएंगे। हमें 1 या 2 तार की कोई चाशनी नहीं बनानी है। बस चीनी को थोड़ा मेल्ट होने के बाद थोड़ी देर और पका लेते हैं। ये गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। ये चाशनी बन करके तैयार है। इसे हम गैस से उतार लेते हैं और इस तरह से केक करके गुजिया डाल देंगे। दो से तीन मिनट के लिए पलट करके इसे चाशनी में रहने देंगे। ये 2 से 3 मिनट में ही चाशनी को अच्छे से सोख लेती हैं। ये निकाल लिया है हमने चाशनी से और बाकी की बची हुई गुजिया को इसी के अंदर इस तरह से डाल करके निकाल लेंगे। ये देखिए सारी गुजिया को हमने चाशनी के अंदर ही रख दिया है इस तरह से। देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी होली स्पेशल गुजिया बनकर के तैयार हो गई है। होली पे ज़रूर बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।